हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमाज यूनिक डायरी में। दोस्तों, ये वीडियो सोमवार व्रत कथा के बारे में है, जो कि आपको सावन सोमवार का आप व्रत रखते हैं तो आपको जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आपको ये कथा जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत अगर नहीं रख पा रहे हैं तो कम से कम व्रत कथा सुन के उसके महत्व की जानकारी आपको मिल जाती है। सावन सोमवार की व्रत कथा कुछ इस प्रकार है। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई कमी ना थी। कमी थी तो बस एक पुत्र की। इसी चिंता में साहूकार दिन रात घुलता रहता था। पुत्र प्राप्ति की कामना में वह प्रत्येक सोमवार को शंकर भगवान और मां पार्वती जी का व्रत और पूजन किया करता था। संध्या होते ही शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के सामने दीपक जलाता। उसके इस भक्तिभाव को देख एक दिन माँ पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। पार्वती जी का आग्रह शंकर भगवान टाल न सके और बोले, हे पार्वती, उस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी और विधि के अनुसार उसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं उसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। शिव और पार्वती का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर ना तो उसे कोई विशेष प्रसन्नता हुई, ना ही दुख। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार साहूकार की पत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 माह बाद साहूकार की पत्नी ने अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को अन्न वस्त्र और धन दान स्वरूप दिया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो पत्नी ने साहूकार से उसके विवाह आदि के लिए आग्रह किया। साहूकार ने आग्रह को टालते हुए कहा, प्रिय, मैं अभी उसका विवाह नहीं करूंगा और उसे पढ़ने के लिए काशी भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा, तुम अपने भांजे को पढ़ने के लिए काशी ले जाओ तथा रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहाँ यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराकर आगे जाओ। मामा भांजा जल्दी ही काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की ओर यात्रा करते हुए दोनों प्रताप नगर पहुंचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के उपलक्ष्य में नगर को बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहां ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को अपने शामियाने में बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी से विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। वैसे राजा ने चेहरे की बड़ी बड़ी लड़ियों से उसके चेहरे को छिपा दिया था, लेकिन इस बात से वह बहुत चिंतित था कि उसके बेटे के काने होने का पता अगर राजा को चला तो वह विवाह से इनकार कर देगा और बारात वापस लौटा देगा। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बताकर उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने पर बारात वापस शामियाने में पहुंच गई। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां निकलने से पहले पलंग पर सोई राजकुमारी को ओढ़ने पर कागज लगा दिया। उस कागज पर उसने लिखा था, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस दूल्हे के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं उच्च शिक्षा के लिए काशी जा रहा हूँ। जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी ओढ़नी पर लगा कागज जल्दी से खोलकर पढ़ा। पढ़कर राजकुमारी सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई। राजा ने दूसरे राजा के लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जा पहुंचे। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना, भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस संबंध में कुछ पता नहीं था। उसने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ भी चल ही रहा था कि लड़के ने मामा से कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मामा जी, कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा कराते रहिए। लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ के बीच मामा ने कक्ष में जाकर लड़के को जब मृत अवस्था में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न पड़ने के डर से उसने स्वयं पर संयम रखा और इस बात की चर्चा किसी से नहीं की। ब्राह्मणों जग के जाने के पश्चात उसने रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल के ऊपर से गुजरे। शंकर भगवान पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उस साहूकार के मृत बेटे को तुरंत पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था।
प्राणनाथ, किसी भी तरह साहूकार के इस बेटे को जीवित कीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवित कर दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिव और पार्वती जी कैलाश पर्वत को चले गए। कुछ दिनों बाद मामा भांजा दोनों पुनः प्रताप नगर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर मामा ने वहाँ यज्ञ किया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देख उसे तुरंत पहचान लिया, अतः वह उन दोनों को महल में ले आया। कुछ दिन महल में रखकर दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सधन बहुमूल्य स्वर्ण आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा किया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी साथ भेजे। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने एक सैनिक के हाथों अपने सकुशल लौटने की सूचना भिजवा दी। जब सैनिक ने आकर समाचार दिया कि उनका पुत्र सकुशल लौट आया है तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जब सैनिक ने शपथ लेकर दोबारा बात कही तो अपनी पत्नी और अन्य सगे संबंधियों के साथ नगर के द्वार पर पहुँचा और गाजे बाजे के साथ उन्हें घर ले आया। राजकुमारी से बेटे के विवाह की सूचना ने उनकी खुशियाँ दोगुनी कर दी थी। जो प्राणी सोमवार का विधिवत व्रत करके शंकर भगवान माँ पार्वती जी की पूजा करता है उस पर नीलकंठ महादेव अनुकंपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं, निःसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, ये है सोमवार के दिन पढ़ी जाने वाली व्रत कथा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।